सी के लिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्पाइसजेट के शेयर में करीब करीब 7% के आसपास की तेजी है और ये तेजी काफी दिनों बाद इस तरह की हम देख रहे हैं स्पाइसजेट के शेयर में। शाना में खबर ये आई है कि जो इनके लेसर्स हैं, जो इनको लीज पर विमान अपने देते हैं किराए पर, अब चूंकि उनके बकाए थे और बकाए के बदले में इन्होंने अपनी कुछ इक्विटी उनको दी है कंपनी में। आप ये बताइए कि इसको लेके क्या उत्साहित होना चाहिए क्या, क्योंकि स्पाइसजेट हम देख रहे हैं कि हर पैरामीटर पर इन्होंने अपने कहीं ना कहीं मार्केट शेयर भी गंवाया है। तकनीकी दिक्कतों से ये कंपनी जूझती रही है, डीजीसी के रडार पर रही है। आपको लगता है कि स्टॉक प्राइस में कुछ खास रिवाइवल यहां से होगा? देखिए, ये ट्रेडिंग के लिए ठीक है न्यूज बेस्ड, बट आई थिंक फंडामेंटली अवॉइड करना चाहिए ये स्टॉक को, क्योंकि उनका काफी प्रॉब्लम्स विल कंटिन्यू बिकॉज ऑफ हाई डेट और काफी इश्यूज चल रहे हैं कंपनी में। दूसरी बात, आई थिंक द क्रूड ऑयल प्राइसेस ATF प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो ये सेक्टर को अगर आप लेना है तो आई थिंक जो टॉप परफॉर्मर है उसी लेना है। आई डोंट थिंक ट्रेडिंग करना चाहिए गेट इनटू सच स्टॉक्स। आज बैटरी